हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें ये आखिरी एक्सरसाइज है फंक्शन की, इसमें वास्तविक फलों पर संक्रियाएं, थोड़ा इसको देख लेंगे। अभी एक्सरसाइज नहीं है, वास्तविक फलों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं ये सब आप लोग पहले भी सुन रखे होंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना। जब छोटे, जब 8-10 तक थे तो मैंने इसमें प्लस पढ़े होंगे, माइनस पढ़ा होगा, इनटू पढ़ा होगा, डिवाइड पढ़ा होगा। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हम इस तरह से बहुत सारी संक्रियाएं कर चुके हैं भाई, जोड़ चुके हैं, उनको घटा चुके हैं, गुणा कर चुके हैं, भाग कर चुके हैं, तो ये क्या कहलाती है? संक्रियाएं वास्तविक संख्याओं के बीच में। इसी यही सारी संक्रियाएं हम फंक्शन के लिए भी यूज करेंगे। दो फंक्शन को जोड़ते कैसे हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे उनका भाग करते हैं, यही सब चीज है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एक्स और जी एक्स, अब उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन निर्धारित होगा कि वो फंक्शन किसके किसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। मान लो इसका डोमेन डी वन है, ठीक है, डोमेन इसका डी वन। इसी तरह से जी एक्स जो एक फंक्शन है वो डी टू के लिए डिफाइंड है, दूसरे डोमेन के लिए। तो एफ एक्स एक फंक्शन हो गया, जी एक्स दूसरा फंक्शन हो गया। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एफ ऑफ एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये एफ प्लस जी भी एक फंक्शन हो जाएगा। जैसे एफ एक फंक्शन हुआ, जी एक फंक्शन हुआ, वैसे ही एफ प्लस जी भी क्या होगा, फंक्शन होगा। तो जैसे इसका डोमेन डी वन है, इसका डोमेन डी टू है, तो ये तो इन दोनों से मिलकर बना है ना। हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला, तो ये क्या है, इसको और इसको जोड़ करके बनाया गया है। तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, जो फंक्शन है तो डोमेन तो निश्चित तौर से इसका भी कुछ होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका इसका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू, मतलब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन, इन दोनों के डोमेन्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा देखो, जैसे ये जो एफ एक्स है इसके लिए डोमेन हमारा है 1, 3, 5, 7, एक्स बराबर हम क्या क्या ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है ना, उसके लिए 1, 3, 5, 7। मान लो इस तरह ये भी है 2, 5, 8, 7, ये जी टू। तो जो हमारा एफ प्लस जी का है वो क्या हो जाएगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, 1, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन 2, 5, 8, 7, ठीक है ना, 1, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन 2, 5, 8, 7। दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 आएगा, यहां भी है, यहां भी है, 7 आएगा, दोनों जगहों पे है। तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू क्या आ गया, 5, 7। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा हमारा 5, 7। डोमेन का मतलब एक्स के किन किन मानों के लिए यह फलन परिभाषित है, डोमेन वगैरह सब आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों फलनों का जो योगफल है उसका डोमेन, जोड़ने का कोई नियम नहीं है। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 5 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, भाई दो फंक्शन है अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बस यही एफ प्लस जी एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस जी एक्स है एक्स प्लस 1, बस जुड़ गया, इतना ही करना था। बट हमको ये चीज ध्यान रखनी है, इनका डोमेन किन किन मानों के लिए ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। इसके बाद अगर दोनों को घटाना हो, माइनस करना हो, एफ माइनस जी, एफ माइनस जी, तो ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा, बस माइनस लगा देंगे और क्या, ये इस तरह से प्लस और माइनस के लिए, और डोमेन भी नहीं चेंज होगा, डोमेन भी बन जाएगा। इनटू के लिए एफ जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स इनटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू
जीएक्स। एफएक्स क्या हो गया, एफएक्स हो गया हमारा वही एक्स की घात 5 इनटू जीएक्स हो गया एक्स प्लस 1, बिल्कुल वही, ठीक है। इसी तरह अगर हमको दोनों का भागफल निकालना हो, एफ ऑफ जीएक्स बराबर एफएक्स अपॉन जीएक्स बराबर एक्स की घात 5 बटे एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर जब हम लोग भाग करते हैं, भाग करते समय जरूर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये तो ठीक है डोमेन, इसके लिए डोमेन हमने भी देखा था 5-7 आया था, ठीक है, जो अभी चेक कर रहे थे, पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन होगा f / g का, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो भी इन दोनों का डोमेन होगा खास, ठीक है, जो भी इन दोनों का डोमेन होगा, जैसे मान लो 5-7 था, तो फॉर ऑल 5-7, ठीक है ना, ये इसका डोमेन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5-7, x का मान केवल 5 और 7 रख देते इसके लिए, बट यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, ये x के उन मानों के लिए भी डिफाइन नहीं होगा जिनके लिए हर क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फलन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, डोमेन फिर कैसा निकालेंगे बाद में दिखाएंगे। एक चीज और, k into f x बराबर k f x, ये क्या है, k कांस्टेंट नंबर है, अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का किसी फंक्शन के साथ की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, kfx, ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं, मेन डोमेन से रखना था, डोमेन इसका क्या होगा, वही होगा, चलिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन के लिए संक्रियाएं थी। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, जो भी आपकी बुक में दी हो, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। f plus g ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर x square for all x belongs to R और gx बराबर x plus 1 for all x belongs to R, ठीक है, दिया है दो फंक्शन दिए हुए हैं, fx बराबर x square फॉर ऑल, इकाई का चिन्ह है फॉर ऑल, प्रत्येक सबके लिए, ऑल मतलब सबके लिए, फॉर मतलब के लिए, ठीक है ना, सबके लिए, सभी इसके लिए, सभी x के लिए, जो x की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, सारे x कैसे होंगे, x बिलोंग्स टू R, R का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, प्लस में हो सकती, माइनस में हो सकती, बटे में हो सकती, अंडर रूट में हो सकती, दशमलव में हो सकती, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है gx बराबर x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये हो गया। हमको निकालना क्या है, f प्लस g निकालना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा f प्लस g आएगा उसका डोमेन क्या होता है, उसका डोमेन इन दोनों फंक्शनों के डोमेन का, इसका डोमेन क्या है, R रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, तो जो हमारा f प्लस g आएगा, जो दोनों का जोड़ आएगा उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब वो फंक्शन x के कौन कौन से मान एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, कौन कौन से x के मान क्लियर डिफाइंड होगा, तो वो क्या होगा, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए होगा, ठीक है, फॉर डोमेन ऑफ f + g, ठीक है ना, ये जो डोमेन ऑफ f + g इस फंक्शन का, फॉर डोमेन f + g के डोमेन के लिए फॉर ऑल x belongs to, जो भी x इस फंक्शन के लिए होंगे x के मान, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन R, इंटरसेक्शन R, ठीक है, R इंटरसेक्शन R का मतलब क्या हुआ, R ही होगा ना भाई, अगर आपके पास एक सेट दे दिया जाए a बराबर 1 3 5 7, ठीक है, एक दूसरा सेट दे दिया जाए a बराबर 1 3 5 7, दोनों में इस तरह के एलिमेंट है, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, सारे एलिमेंट कॉमन, वैसे यहां पे सारे रियल नंबर इसमें है, सारे रियल नंबर इसमें है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो चाहे ऐसा लिखो x बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन R, चाहे ऐसा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है, क्योंकि R इंटरसेक्शन R बराबर R होता है, अतः
एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर, अब जोड़ देते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन है, और इनका डोमेन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों का डोमेन के इंटरसेक्शन तो आर ही होगा, बस इतना करना था, यही है हमारा इनका योग। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, जो दूसरा है उसका मैं आपको दूसरा बताता हूं, पहला बिल्कुल सेम ऐसे दिया है, आर आर दिया हुआ है, सब कुछ ऐसा करना है, ठीक है। जो दूसरा दिया हुआ है उसके लिए फंक्शन दिया है, पहले दूसरे के दूसरे में, ठीक है ना, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो जो एफ एक्स है ये एक्स के कौन कौन से मान ग्रहण करता है, जो सेट ए में होंगे, कोई सेट ए होगा, क्या है ए में पता नहीं हमको, और जी एक्स क्या है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जो सेट बी में एलिमेंट होंगे वही वही हम इसमें रख सकते हैं, अब सेट बी में क्या है ये हमको तो नहीं पता है, ठीक है ना। तो फॉर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, हमको दोनों का एफ प्लस जी निकालना है, एफ प्लस जी इसका डोमेन हमको पता होना चाहिए, तो फॉर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसका डोमेन क्या होगा, इन दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन, ये होता है ना एफ एक्स और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन, और एफ एक्स का डोमेन क्या है ए, और जी एक्स का डोमेन क्या है बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इस जो फंक्शन एफ प्लस जी है इसका जो डोमेन होगा, फॉर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसका डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होंगे, डोमेन के लिए एफ प्लस जी और ऑल एक्स बिलोंग, अतः एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये तो सीधा सीधा सो रहता है, एफ प्लस एक्स जी एक्स, ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया, एफ एक्स का मान रख दिया एक्स की पावर 5 प्लस जी एक्स का मान रख दिया एक्स प्लस 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस इतना ही लिखना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, ये हमको पता हो जा रहा है इसका डोमेन क्या है, बाकी कुछ नहीं जानने की जरूरत है, ओके चलिए, ये हो गया हमारा दूसरे का दूसरा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे F और G दिए हुए हैं, और इनके प्रांत फिर से वही R दिया हुआ है, R दिया है, R दिया है मतलब रियल नंबर दिए हुए हैं, R दिया हुआ है का मतलब क्या हुआ, R का मतलब हो गया रियल नंबर दिया हुआ है, F और G के प्रांत R है तो F डॉट G ज्ञात कीजिए जब ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं, थर्ड नंबर दिया है एफ एक्स, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दिया नहीं है, दिख रहा है क्या, उसमें नहीं दिख रहा, पर लिखा है ना एफ और जी के प्रांत, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ और जी के प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन क्या है, आर है, तो आर के लिए डिफाइंड है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तथा जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए भी x क्या है रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, डोमेन क्या है रियल नंबर है, तो अब हमको क्या निकालना है इसमें, f डॉट g निकालना है, क्या निकालना है, f डॉट g ज्ञात कीजिए, f
डॉट जी इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम f डॉट जी का प्रांत निकाल लेंगे कि भाई f अलग फंक्शन g अलग फंक्शन, दोनों फंक्शनों को जब गुणा करेंगे तो हमको एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उसका भी कुछ प्रांत होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ जी, ठीक है, या फॉर डोमेन एफ डॉट जी, एफ जी मतलब एफ डॉट जी, ठीक है ना, इसका प्रांत के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन दोनों फंक्शनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, इसका डोमेन क्या है R, इंटरसेक्शन इसका डोमेन क्या है R, तो ये हो गया हमारा R इंटरसेक्शन R, और R इंटरसेक्शन बाय R बराबर R ही होता है, ये मैंने क्वेश्चन बताया, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो अतः F डॉट G X बराबर हो गया F X इनटू G X, F X बराबर दिया हुआ था X की पावर 5 और जी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, बहुत बहुत मान लेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इंटरसेक्शन आर भी आप लिख सकते हो, आर इंटरसेक्शन आर या आर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस भाई इतना इसमें भी था, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है। फोर नंबर, इसमें एफ डॉट जी एफ अपॉन जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, ये भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना, ये भी क्या है रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड है। तो दिया है क्वेश्चन, आप लोग बुक से देखेंगे, ये सलूशन है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एक्स हाँ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर इतना है और जी एक्स बराबर इतना है, दोनों के डोमेन रियल नंबर है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इस पे हमको एफ डॉट जी निकालना है और एफ अपॉन जी। तो सबसे पहले फॉर डोमेन, दो अलग अलग चीजें निकाल ली ना, एफ जी और एफ अपॉन जी, तो दोनों के डोमेन अलग अलग होंगे, एफ जी के डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन दोनों का इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन आर, और आर इंटरसेक्शन आर का मतलब आर होता है, अतः एफ डॉट जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स क्या हो गया एक्स प्लस वन, और इनका डोमेन क्या हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखो चाहे आर इंटरसेक्शन आर, एक ही चीज, तो इनको में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब फॉर डोमेन, अब हमको एक चीज और निकालनी है, इसमें क्या निकालना है एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी निकालना है, तो फॉर डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी के डोमेन के लिए क्या करेंगे भैया, इसके डोमेन के लिए ये देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 5, ये है अपॉन कहां चला गया ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, तो जब हम एक्स प्लस वन यहां पे थोड़ा सा देखेंगे, एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया अपॉन एक्स प्लस, यहां पर दोनों के डोमेन आर है, ठीक है ना, x belongs to R for all, ठीक है, x belongs to R intersection R, क्योंकि इन दोनों का intersection का domain ही तो इसमें आएगा, इसका domain कुछ अलग से नहीं आएगा, इन दोनों का intersection ही आएगा, R intersection R बराबर R होता है, पर थोड़ी देर यहाँ पे देखेंगे एक चीज, ये हमारा fx हो गया और बटे gx, fx upon gx, अगर इस फंक्शन में हम x बराबर माइनस वन रखते हैं, x की जगह अगर माइनस वन रखते हैं तो ऊपर माइनस वन में स्क्वायर प्लस वन और नीचे माइनस वन प्लस वन, तो कुल मिला क्या जाएगा वन अपॉन जीरो, और किसी भी फंक्शन में अगर वन अपॉन बटे में जीरो आ जाए या संख्या में आ जाए
तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे रियल नंबर के लिए तो ठीक है डिफाइंड है, इसका जो डोमेन होगा वो सारे रियल, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। डोमेन क्या होता है, इन्हीं दोनों फंक्शनों का इंटरसेक्शन। आपने इंटरसेक्शन निकाला, बोला अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर हम माइनस एक भी तो एक रियल नंबर है, पर अगर हम माइनस एक रख देंगे तो फिर ये फंक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, आता ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, ऊपर वाले को हटा के ये इसी के नीचे से, ठीक है ना। आता f अपॉन g ऑफ x बराबर एफ एक्स बटे जी एक्स, एफ एक्स बटे जी एक्स हो गया, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स बटे जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे आर के लिए तो डिफाइंड है। ये इंटरसेक्शन था ना, ये इंटरसेक्शन, ये यहां पर हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, आर के लिए डिफाइंड है, पर ये माइनस वन के लिए डिफाइंड नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वन इसमें से हम क्या निकाल देंगे, माइनस वन को निकाल देंगे, आर में से माइनस वन को निकाल देंगे, बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक चीज और लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर कॉमन आ गया जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिनके लिए जी एक्स जीरो नहीं होगा, तो फिर अगली लाइन में फिर इसको बढ़ाना पड़ता, पर वो क्या समझो ऐसा इस तरह से है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये फोर नंबर था, फाइव नंबर, फाइव नंबर, फाइव नंबर पे दिया हुआ है f प्लस जी और f अपॉन जी ज्ञात करना है, जबकि एफ एक्स और जी एक्स दिए हुए हैं, दिया है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स नहीं दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस टू। इसकी मीनिंग्स क्या हुई, x के कौन कौन से मान यहां के लिए डिफाइंड है, x का मान माइनस दो से बड़ा, माइनस दो से बड़ा, माइनस तीन नहीं होता है, माइनस एक जीरो या कोई भी पॉजिटिव संख्या, ठीक है, या माइनस दो के बराबर, मतलब हम माइनस दो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और या उससे बड़ी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका डोमेन लिख सकते हो, इसका डोमेन d1 जो है, d1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन d1 बराबर ऐसे लिख सकते हो, अर्थात एफ एक्स का जो डोमेन होगा इसको हम d1 मान लेते हैं, ठीक है ना। d1 बराबर x के कैसे मान लेने हैं, माइनस दो से बड़े, माइनस दो से बड़े कितने बड़े, जहां तक जानते हो माइनस दो भी शामिल है, इधर ये क्लोज इंटरवल लगाया और माइनस दो हो गया, ठीक है ना। एक्स के कौन कौन से मान के लिए परिभाषित था, जो माइनस दो से बड़े हैं, और चलते हैं जी एक्स, जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस टू, अंडर रूट एक्स माइनस टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, ये दिया हुआ है। अतः जो जी एक्स का डोमेन हो जाएगा, अभी तक तो सब रियल नंबर था, कुछ नहीं कर रहा, इनमें थोड़ा देखना पड़ेगा, जी एक्स में कौन से मान रख रहे हैं, एक्स का मान दो से बड़ा, जिधर को मुंह खुला वो बड़ा, एक्स का मान दो से बड़ा या दो के बराबर, तो इसका डोमेन मान लिया डी टू है, तो डी टू बराबर क्या हो जाएगा, दो से लेकर के इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती इसलिए ऐसा वाला कोष्टक लगा है, पर दो को भी लेना है इसलिए बड़ा वाला कोष्टक लगा है, ठीक है, ये हो गया। अब हमको एफ प्लस जी डिफाइंड करना है, एफ और क्या निकालना है, एफ अपान जी, अतः जो एफ प्लस जी का डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई,
एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स के डोमेन का क्या होता है इंटरसेक्शन, ये होगा हमारा डी वन इंटरसेक्शन डी टू। और डी वन इंटरसेक्शन डी टू आएगा क्या, ये क्या है, ये है माइनस दो से लेकर के इंफिनिटी इंटरसेक्शन, डी टू क्या है दो से लेकर के इंफिनिटी। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन संख्या आएगी, ये थोड़ा नंबर लाइन से हम लोग देख लेते हैं, ये देखो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन है, बीच में हमारा क्या हो गया सेंटर पे जीरो हो गया, ठीक है। ये बाकी आप जानते हो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इधर वन टू थ्री कहां तक है इंफिनिटी तक है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही संख्या लिखनी है। तो देखो माइनस दो से इंफिनिटी जब हम ले रहे हैं तो यहां तक की संख्या लेनी है, माइनस दो से लेकर के इंफिनिटी पूरी, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। अब दो से इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, तो जो यहां से लेकर यहां तक की संख्या है ये पहले वाले में भी थी इसमें भी थी ये, और यही चीज दूसरे वाले में भी है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में हमारा आएगा दो से लेकर के इंफिनिटी तक की संख्या, ठीक है। तो अतः भाई अब मिल गया हमको इसका डोमेन, अतः एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स प्लस जी एक्स का मतलब एफ एक्स कहां गया, ये है अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू जी एक्स, और इसका डोमेन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू, या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ प्लस जी, अभी हमको इसमें एफ अपॉन जी भी निकालना है, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स बराबर ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, ये तो जानते ही हो, ठीक है ना, इसके बराबर एफ एक्स यही हो गया अंडर रूट एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस टू, चाहे एफ प्लस जी निकालो चाहे एफ माइनस जी निकालो चाहे एफ इंटू जी निकालो चाहे कुछ भी निकालो, डोमेन इन्हीं दोनों फंक्शनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू। परंतु इस बार क्या है, जी एक्स नीचे है, ये चीज ध्यान रखनी, जी एक्स क्या है नीचे है, तो ये उन मानों के लिए जी एक्स डिफाइंड नहीं होगा जिनके लिए जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सच दैट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इनमें से वो मान लेगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू में बहुत सारे मान है, इतने सारे मान है, एक्स के मान वो लिए जाएंगे जिनके लिए जी एक्स बराबर जीरो ना होगा। यहां का मतलब होता है जी एक्स में दो भी शामिल है, अगर एक्स का मान हम दो भी ले सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू मतलब दो भी ले सकते हैं, जब हम यहाँ पे एक्स बराबर दो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो माइनस दो बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स अपॉन जी है, ये दो के लिए डिफाइंड नहीं है, दो के लिए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो रखने पर जी एक्स बराबर जीरो आ जाएगा, पर इसके डोमेन में एक्स के वो मान लेने हैं जिसके लिए जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एफ एक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इसमें दो भी शामिल नहीं है तो फिर इसका डोमेन ये नहीं होगा, दो नहीं शामिल है तो फिर कौन शामिल है, दो नहीं होगा मतलब तीन होगा, तीन से हो जाएंगे फिर, ठीक है, कम नहीं होंगे ज्यादा ही होंगे, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस टू फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा था ना, इसका मतलब दो शामिल है, अब हम दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, दो नहीं शामिल है, दो से बड़ी संख्याएं शामिल है, ठीक है। तो इसका ये हो गया हमारा टू टू इन्फिनिटी, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से करना था इसको। तो ये हमारा कौन सा नंबर था, फाइव नंबर था, चलिए इसमें जो सिक्स नंबर है बहुत इजी है क्योंकि रियल नंबर्स के लिए दिया हुआ है, आप लोग जैसा जैसे एफ प्लस जी एफ माइनस जी बताया गया है सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोमेन और रेंज निकाल लेंगे, ठीक है।
सेवन और एट बचते हैं, सेवन नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। सेवन नंबर पे है दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और जी एक्स बराबर तथा जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। निकालना क्या है हमको, एफ अपॉन जी एक्स निकालना है। तो भाई इन दो जो एफ अपॉन जी का डोमेन होगा, फॉर डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी के डोमेन के लिए क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये चीजें मैंने बार बार बताई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर, ठीक है। पर जब भी हम एफ अपॉन जी निकालेंगे तो ये ध्यान रखना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स तो रियल नंबर होंगे पर वो रियल नंबर नहीं होंगे जिनके लिए नीचे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं फिर से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन। अब x का ऐसा कौन सा मान है कि हम रख दे नीचे तो जीरो हो जाएगा, तो अगर हम x बराबर माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा ना, इसका मतलब ये माइनस वन के लिए डिफाइंड नहीं होगा, माइनस वन के लिए क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो फिर ये सारे रियल नंबर अर्थात डोमेन ऑफ f अपॉन z For all x belongs to R, minus minus वन इसमें से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। R intersection R का मतलब R ही हुआ, ठीक है ना, सारे real numbers। फिर gx जिसके लिए जीरो ना हो तो माइनस वन के लिए जीरो होता है, तो हमने इसमें से क्या निकाल दिया, माइनस वन को निकाल दिया। अब बस हो गया बाकी वही, अतः f upon g of x बराबर fx upon gx, और एफ एक्स हो गया हमारा क्या एक्स क्यूब, और जी एक्स हो गया हमारा एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन, ठीक है ना, इसका डोमेन ये हो गया आर, में से हम माइनस एक को निकाल दिए। एक आखिरी क्वेश्चन एट नंबर, फलन f और g निम्न प्रकार से डिफाइंड है, ये निम्न प्रकार से दो फलन डिफाइंड है, दिया है एफ एक्स बराबर x और ये है माइनस टू लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन जीरो लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू टू, और जो जी एक्स डिफाइंड है वो है वन माइनस टू लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो, और एक्स जीरो लेस आर इक्वल टू एक्स और लेस आर इक्वल टू टू, ठीक है ना, ये जरा सारा डिफाइंड है। तो हमको निकालना है एफ प्लस जी और एफ अपॉन जी निकालना है, ठीक है ना। ये देखो ये पूरे चार फंक्शन हो गए, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स कब होगा जब इसके डोमेन ये है, एक्स का मान माइनस दो से बड़ा और जीरो से छोटा,
ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा और 2 से छोटा या बराबर, ठीक है ना। सेम इसी तरह तो एक बार इसमें दो सवालों को एक साथ कर दिया, अगर अलग अलग देता तो एफ एक्स बराबर एक्स ये और जी एक्स बराबर एक्स ये, ठीक है ना। एक बार डोमेन ये दिया हुआ है, ये दोनों में दिया हुआ, देखो एफ एक्स बराबर एक्स ये डोमेन, एफ एक्स बराबर एक्स ये डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं f प्लस जी ऑफ x बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर x और जी एक्स बराबर 1 फॉर ऑल, प्रत्येक x, देखो इन ये दोनों डोमेन एक ही है, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही ना आएगा। अगर इसको चलो डोमेन निकाल निकाल देते, ठीक है ना। एफ प्लस जी का डोमेन क्या होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, एक्स का मान माइनस 2 से बड़ा या उसके बराबर और 0 से छोटा या उसके बराबर, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहां भी लिखी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन आएगा। इसका मतलब क्या होता है, x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा 2 से छोटा या 2 के बराबर, तो इसका 0 2 हो जाएगा। सेम चीज यहां लिखी हुई है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अब हमारा जो जोड़ेंगे तो सेम डोमेन जुड़ेगा ना, इसको भाई इसके साथ में जोड़ सकते थे, पर अगर हम चलो एक चीज देखते हैं, fx बराबर x लिख लिए, इसका डोमेन क्या होगा, फॉर l x बिलोंग्स टू माइनस टू 0, ठीक है। और अगर हम gx में इसको ले लिए, जी एक्स बराबर एक्स ले लिए, इसमें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है, 0 को, ठीक है। तो जो हमारा एफ प्लस जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी हो जाएगा, ये तो जुड़ गया मान लो एक्स प्लस एक्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, केवल 0 आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में, 0। ये देखो नंबर लाइन से हम देख लेते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 2 1 और 2, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, यहां से लेकर के यहां तक की संख्या है, इस वाले में क्या शामिल है, यहां से लेकर के यहां तक की संख्या है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, ये यहां तक है, ये यहां तक है, तो केवल 0, केवल 0 ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो हम क्या जोड़ेंगे, जिन दोनों का डोमेन एक ही होगा, ठीक है ना। तो f प्लस जी का डोमेन ऐसा लिखते हैं, जब f प्लस जी का डोमेन माइनस टू लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 0, अर्थात x बिलोंग्स टू माइनस टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तब f प्लस जी ऑफ x, बाकी जोड़ना उसी तरह से है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर क्या है, एक, इस डोमेन के लिए एक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे इसका उत्तर वैसे लिख सकते हो। एफ प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस टू लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है, तथा एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, फिर से वही, अब ये वाला लेते हैं एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स, ये वाले डोमेन में फॉर ऑल, ये जो एक्स होगा चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, 0 less r equal to x less r equal to 2,
या इसी को हम लिख सकते हैं x और x जुड़ गया 2x plus 1 पर और x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो दो डोमेन थे तो यहां पे दो बार इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। दो डोमेन थे तो यहां पर हम इसको क्या किए, दो बार जोड़ दिए हैं। एक और इसमें दिया हुआ है f upon g निकालने के लिए भी दिया हुआ है f upon g, तो बिल्कुल सेम इसका f upon g भी निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल जैसा ये दिया हुआ है अभी जैसा किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 2 समाप्त होता है, अपनी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर 2 समाप्त हो गया है, ये फंक्शन वाला ज्यादा ध्यान रखना, ये आप लोगों की कक्षा 12 पे भी है, ठीक है। नोटबुक बनाते जाइएगा, जो लोग लेट जुड़े हैं तो जिस चैनल पे मैं इसको डालता हूँ YouTube चैनल पे उस पर सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सारे के सारे जो आज तक पढ़ाया गया है सारी कक्षाओं के उस पे डला हुआ है वीडियो, तो आप कक्षा 11 के वीडियो एकदम स्टार्टिंग से जहाँ से शुरू किया गया वहां से देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर से आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए, थैंक यू।